पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में बाप की शफकत से महरूम बच्चों की सरपरस्ती का जो ख्वाब अलखिदमत फाउंडेशन ने देखा था, वो पाकिस्तान ऑर्फन केयर फोरम की सूरत में अब अपने बरगोबार ला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया की तरह इस मरतबा 15 रमज़ान को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 15 रमज़ान को आलमी योम यतामा के नाम से मना रहे हैं, उन बाहिम्मत बच्चों के नाम के जो बाप की शफकत से महरूम है। हमने आज लाहौर में उन तमाम इदारों को इकट्ठा किया है कि जो इन बाहिम्मत बच्चों की सरपरस्ती कर रहे हैं, दस्तगीरी कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में यहाँ हमारे बच्चे और बच्चियाँ मौजूद हैं अपने उन सरपरस्त इदारों की सूरत में कि जो उनको लेकर चल रहे हैं। हमने मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के नामवर लोगों को यहाँ दावत दी है कि वो आएँ और इन बच्चों के साथ मिलकर रमज़ान की खुशियाँ गुजारें, ईद की खुशियाँ मनाएँ और इन बच्चों को ये एहसास दें कि कोई वजह नहीं है कि अगर वो बाप की शफकत से महरूम है। पाकिस्तान में 4 मिलियन से ज़्यादा बच्चे हैं कि जो बाप की शफकत से महरूम है। अभी इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि और तंजीमें हों और ज़्यादा इन बाहिमत बच्चों को सरपरस्ती फराहम की जाए। हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि ऐसी तंजीमों की हौसला अफजाई करें, सरपरस्ती करें और हम तवक्को करते हैं कि आने वाले दिनों में इन बच्चों के हवाले से और ज़्यादा मुतनव्वे और ख़ूबसूरत और बामकसद सरगर्मियाँ मुनाकिद की जाएंगी ताकि इन बाहिमत बच्चों की किफालत, इनकी सरपरस्ती की मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा मुनज़्ज़म और ज़्यादा से ज़्यादा नतीजा खेज़ बनाया जा सके।